हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज। और देखिए, एन का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? 9 पे पावर n को कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस यहाँ 1 प्लस यहाँ 1 बराबर, इसको सेम उतार देंगे इसी तरह। अब देखिए, 9 पे पावर n गुना यहाँ कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 3 बराबर, इसको सेम उतारेंगे, 3 पे पावर 9 6 8 5। यहाँ देखिए, इसको किस तरह लिख सकते हैं? 3 पे पावर 2 इस तरह लिख सकते हैं, गुना 3 बराबर। अब देखिए, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 पे पावर 2n गुना यहाँ 3 पे पावर कुछ नहीं तो 1 है बराबर, यहाँ पे 3 पे पावर 9 6 8 5। अब देखिए क्या करेंगे, इस स्थिति में क्या होता है फॉर्मूला? a पे पावर m इंटू a पे पावर n बराबर am प्लस n, इस तरह होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 2n प्लस 1 बराबर e। अब देखिए, e3 और e3 कट जाएगा तो बचेगा क्या? e पूरा 2n प्लस 1 बराबर e पूरा बचेगा 9 6 8 5। क्या करेंगे, 1 को इधर टपाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा इधर। टू एन बराबर यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4 8 6 9। अब देखिए, इधर गुना है तो इधर आएगा तो भाग, n बराबर 9 6 8 4 बाय 2। 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 8 4 2। एन बराबर कितना आ गया? 4842। देखिए, एन का वैल्यू हम लोग का निकल गया। धन्यवाद दोस्तों।